चांद पर नए खनिजों की खोज के बाद चीन 3 मिशनों की तैयारी कर रहा है। पता लगाएं कि इन चंद्रमा मिशनों के साथ क्या आना है, लेकिन इन मिशनों के पीछे कुछ और खेल भी हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने चांद पर एक नए खनिज की खोज के बाद भविष्य के 3 मिशनों को मंजूरी दे दी है। चीन के चांगे 5 मिशन के नमूने 2020 में पुनः प्राप्त किए गए और उनका मूल्यांकन किया गया और बहुत बाद तक खनिज की खोज नहीं की गई थी। खनिज हीलियम 3 में समृद्ध है, जो भविष्य में ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष की दौड़ गति पकड़ रही है और दोनों देश अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नजर गड़ाए हुए हैं, जहां चीन एक शोध आधार बनाना चाहता है। चीन के अब तक के अंतरिक्ष प्रयासों में एक अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रमा पर एक मानव रहित मिशन भेजना और मंगल पर एक रोवर रखना शामिल है। इस बीच नासा अपनी आर्टेमिस श्रृंखला की जांच के साथ चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने की कोशिश कर रहा है। दोनों प्रयास अब तक विफल रहे हैं। अंततः अंतरिक्ष एजेंसी कथित तौर पर चंद्रमा पर एक चालक दल के मिशन को भेजना चाह रही है। अभी तक सिर्फ नासा ही इंसानों को चांद पर भेजने में कामयाब रहा है। हालांकि चीन के तेज तर्रार रुख से विशेषज्ञों का मानना है कि चांद पर लोगों को भेजने में बहुत तेजी से बदलाव आ सकता है। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर सभी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।